हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे संजय लीला बंसाली, सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला का वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर। फ्रेंड, जब कोई मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर सिनेरियो होता है कि इस मूवी को हिट का वर्डिक्ट देना है कि फ्लॉप का देना है, क्योंकि जितना उसका बजट होता है उतनी कलेक्शन हमारे सामने आ जाती है। अब अगर किसी का बजट 50 करोड़ है, उसकी कलेक्शन 70 करोड़ आ गई है, तो हम कहेंगे मूवी हिट हो गई है। अगर किसी का बजट 50 करोड़ है और उसकी कलेक्शन 20 करोड़ आई है, तो हम सब कहेंगे कि मूवी फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन अब क्योंकि हीरा मंडी डायरेक्ट OTT पर आई है, ये कोई मूवी नहीं है, ये एक वेब सीरीज है और इसका बजट 200 करोड़ है, तो क्या नेटफ्लिक्स ने जो 200 करोड़ इन्वेस्ट किया हीरा मंडी पे, वो उसको रिटर्न होगा या उसकी जेब से अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाला है कि नेटफ्लिक्स को अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है हीरा मंडी वेब सीरीज की वजह से। एंड जब ये हीरा मंडी वेब सीरीज अनाउंस किया गया था, हम सबको पता था कि जब ये रिलीज होगा तो पहले अर्ली डेज में इसकी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, जो कि अभी भी आपको होते दिखाई दे रहे हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो इसका टॉपिक जो कि बहुत ही यूनिक टॉपिक है, सेकंड है संजय लीला बंसाली जिसकी एक अलग फैन बेस है और हर बंदा, कोई न्यूट्रल ऑडियंस भी हो, वो इस बंदे के काम को एडमायर करता है। लेकिन फ्रेंड्स, होता इस तरह कि जब किसी वेब सीरीज का वर्ड माउथ पॉजिटिव नहीं आता तो उसे रिपीट ऑडियंस नहीं मिलती, उसे एक लार्ज ऑडियंस नहीं मिलती। ये सिर्फ वही ऑडियंस है मेरी तरह, आपकी तरह, जिसने एक बार हीरा मंडी वेब सीरीज को देख लिया है। अब दोबारा ना वो फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं, ना वो खुद आके देखने की पोजीशन में है। अब जो ऑल टाइम वेब सीरीज सक्सेसफुल होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो पूरे 1-2 साल तक उस वेब सीरीज को लोग इंजॉय करते रहते हैं। अब आप खुद ही बताएं, क्या हीरा मंडी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि जुलाई के मंथ में कोई देख रहा होगा? ये मई के मंथ तक ही शटरअप हो जाएगा इसका। फ्रेंड, अगर हीरा मंडी का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल आता, अभी जो से मिक्स रिव्यूज मिले हैं वो पॉजिटिव मिल जाते, तो इसने OTT पर जितने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड थे आई थिंक वो सारे तोड़ देने थे, क्योंकि इसका अलग बवाल मचा हुआ था ऑडियंस में जब इसकी रिलीज अनाउंस की गई थी। जब जिस दिन ये रिलीज हुआ, आप उस दिन भी उठा के देख लें कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बाकी डिफरेंट कंट्रीज में भी इसने व्यूअरशिप के काफी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, हम अभी भी प्रे कर सकते हैं कि हीरा मंडी वेब सीरीज को काफी ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिले और जो उसकी पे इन्वेस्ट किया गया नेटफ्लिक्स का पैसा, वो सारा रिकवर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।